नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में बात करेंगे क्रिकेट के नए युग की शुरुआत की। जी हां, ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश एमपीएल 2024 के रूप में शुरू की है। इसमें निश्चित रूप से एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने विशेष रुचि दिखाई है। अब से कुछ देर बाद ही बीसीसीआई सचिव जय शाह, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री, कई सांसद व अन्य राज्य सरकारों के मंत्री व विधायक, हजारों क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी में एमपीएल 2024 टूर्नामेंट और नए क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों से होने जा रहा है। एमपीएल 2024 सिंधिया का 15 जून से 23 जून के बीच ग्वालियर के शंकरपुर स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एमपीएल 2024 में इस बार 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर, जबलपुर लायंस और भोपाल लेपर्ड व रेवा जगुआर्स शामिल हैं। एमपीएल की शुरुआत एक तरह से मध्य प्रदेश के आईपीएल टीम बनाने की भी एक सोच है। एमपीएल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का अनुभव भी मिलेगा और आईपीएल जैसी बड़ी स्पर्धाओं से द्वार भी यहां पर क्रिकेट प्रेमियों के रोजगार के खुलेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के सभी मैचों में आम जनता के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है एवं आईपीएल के तर्ज पर मैच का लाइव प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा व टीवी चैनल स्पोर्ट्स 18 पर भी होगा। पूरे भारत से दर्शक मैच को लाइव देख सकेंगे, यानी मध्य प्रदेश में क्रिकेट के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज क्रिकेट की इस नई पहल पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं इस बारे में महाआर्यमन सिंधिया और अभिलाष खांडेकर का क्या कुछ कहना है। इस साल हम खाली 5 टीम से शुरू करना चाहते हैं, अगले साल हम और भी टीम्स खोलेंगे और हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन हो अलग अलग टीम्स का। हमारे पास 8 डिविजन्स हैं तो 8ों डिवीजन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर पहली साल में हम थोड़ा छोटा स्तर पे कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं इवेंट में कुछ गलती होती है, हम सीखते हैं उससे। तो हम चाहते हैं कि छोटे स्तर पे शुरू करें, गलतियां सीखें और फिर उसके बाद बड़ा भी करें। ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। देखिए, आप सोचिए कि BCCI के सेक्रेटरी इतने बिजी रहते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में हराया है, उसके बावजूद वो ग्वालियर आ रहे हैं। ये आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कपिल देव साहब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट मध्य प्रदेश लीग जो है ये बहुत सुंदर होगा। और सिंधिया कप, जैसे पहले सिंधिया गोल्ड कप होता था, अब सिंधिया कप MPL के नाम से, क्योंकि क्रिकेट का फॉर्मेट बदल गया पिछले 20-30 सालों में, तो ये निश्चित रूप से आम आदमी को, छोटे बच्चों को, क्रिकेट एंथुसियास्ट को, सब लोगों को आकर्षित करेगा, ऐसी हमारी भावना है। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की शुरुआत आज ग्वालियर में होने जा रही है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। तमाम नेताओं का यहां पर जमावड़ा होगा और खास बात यह भी है कि यहां पर नए स्टेडियम जो कि शंकरपुर में बनाया गया, उसका भी आज लोकार्पण सीएम मोहन यादव करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में जो है हमारे साथ एक पैनलिस्ट जुड़ेगा। लेकिन इस मैच से जो है कई तरह के जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या इस मैच के जरिए, इस लीग के जरिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ये भी खास बात होगी। उस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ जो है राजीव रिसोटकर और संतोष नायर जो कि क्रिकेट कोच हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि TV पर। मेरा पहला सवाल राजीव जी आपसे है कि मध्य प्रदेश में प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है, इस लीग से मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को क्या कुछ हासिल होगा? तौर पे मध्य प्रदेश खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना बड़ा बंच उन्हें मिलेगा, जियो पे इसका टेलीकास्ट होगा और लोगों को देखने को मिलेगा, और जो IPL के टैलेंट स्काउट्स है वो हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को सीधे देख पाएंगे, और एक बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है और उनके लिए बहुत ही अच्छी एक मौका जो मिल रहा है, एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे बहुत उन्हें फायदा। तो राजीव जी, शुरुआत अच्छी हो रही है ऐसा कहना आपका, संतोष जी आप इसको कैसे देखते हैं MPL को?
संतोष जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है मुझे आवाज आपकी। संतोष जी, इस एमपीएल का जो ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन से मध्य प्रदेश में क्या कुछ क्रिकेट प्रेमियों के लिए सौगातों का जो पिटारा है आगे आने वाले समय खुल सकता है? चलिए राजीव जी, मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो है नाम रोशन किया है, आज देश स्तर पर खेल रहे हैं, क्या ऐसे राष्ट्रीय मैचों में, अंतरराष्ट्रीय मैचों में खिलाड़ी चयन के लिए एक आसान प्रक्रिया ये एमपीएल क्या साबित होगी? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई का चयन मुख्यतः बीसीसीआई की स्पर्धाओं के आधार पर होता है, लेकिन एक जो एक्सपोजर मिलता है प्लेयर्स को और अच्छे टफ सिचुएशंस में खेलने का एक मौका मिल रहा है और दबाव में खेलने की आदत पड़ रही है, उसमें निश्चित तौर पे जब यही खिलाड़ी जब भरू स्पर्धाओं के लिए चुने जाएंगे, वहां पे प्रदर्शन करेंगे, तो उनको देखा जाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे हमने अन्य लीगों में भी देखा कि खिलाड़ी अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टैलेंट स्काउट्स उनको मौका देना चाहते हैं, तो और जो मध्य प्रदेश के सिलेक्टर्स हैं वो भी मैच को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की टीम के लिए खेलेंगे। तो ये एक पहला पड़ाव कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए। सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से जो मौके अगर बार बार मिलेंगे तो 3-4 वर्षों में हम मध्य प्रदेश के ज्यादा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख पाएंगे। तो राजू जी, ये मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही ना खेल सके, लेकिन घरेलू मैचों में जो है यहाँ का जो है योगदान रहेगा इन खिलाड़ियों का जो इनसे चुने जाएंगे? या जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ जो है संतोष जी जुड़ गए हमारे साथ। संतोष जी, एमपीएल से क्या कुछ फायदे होंगे मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को? काफी फायदे होंगे जी। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ सर, बात को पूरा कीजिए, सुन पा रहा हूँ। काफी फायदे होंगे जी, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने प्लेयर्स के लिए, ग्रास रूट प्लेयर के लिए काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जितने आईपीएल बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे और नॉलेज शेयरिंग भी होगी, ताकि अब छोटे प्लेयर्स भी इस प्लेटफॉर्म को देख के आने वाले समय पे एमपी भी आईपीएल में खेलने का मौका मिल सकता है और हमारी टीम बन सकती है। संतोष जी, अगर बात किया है तो जिस तरीके से आज के मैच में बात किया, जो ये मैच होने वाला है इसमें कुछ जो नामचीन खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जैसे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार और मोहम्मद अरशद खान जैसे सितारे, तो क्या इन सितारों को भीड़ जोड़ने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राउड स्टेडियम में पहुंचे? क्योंकि जिस तरीके से निःशुल्क पास किए गए हैं, ये खिलाड़ी बुलाए जा रहे हैं, अगर एमपीएल इतना चर्चित होता है, इससे कुछ फायदे होते, तो बिना बुलाए जो क्राउड जाता ना, जो खेल प्रेमी जाते, तो इसको इस तरफ भी थोड़ा सा आपसे पक्ष जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो कवायद है क्या कहा जाए इस कवायद से? देखिए, प्लेयर जो भी 11 खेल रहे हैं वो छोटे बड़े नहीं होते हैं, उनका स्टेटस एक ही होता है। वो आज नो डाउट वेंकटेश आईपीएल खेल गया है और ये सब प्लेयर्स आईपीएल खेल गए हैं, बाकी अदर प्लेयर में भी उतनी काबिलियत है अपने मध्यप्रदेश प्लेयरों के कि वो भी आईपीएल खेल सकते हैं, बट उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो एमपीएल के थ्रू प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं थैंक्स करूँ एमपीसीएल को, एमपीसीएल को, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्वालियर डिवीजन को, कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म एक प्लेयर्स को दिया है ताकि वो आगे जाके अपनी प्रतिभा को निखारे और जब ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल के अपनी ऊंचाई, अपनी बुलंदी, अपने गोल अचीव करें। और ऐसा नहीं है फ्री आना, फ्री तो क्या है कि देखो, आप पहली बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको सेटअप बनाना पड़ेगा और उस सेटअप के तहत ये प्रोग्राम है, बाकी सब प्लेयर्स एक ही लेवल के हैं, कोई ज्यादा 19-20 नहीं। राजीव जी, यहाँ पर बात कही जा रही है फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए, फ्रेंचाइजी को ऑनरशिप देने के लिए, जिस तरीके से आईपीएल में टीमों को खरीदा जाता है, फिर वो जो फ्रेंचाइजी के आधार पर टीम खेलती है, तो क्या इस तरह की तस्वीर जो है आईपीएल की, जैसे क्या एमपीएल में देखने को मिलेगी? हाँ, देखिए, फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट में होता यही है कि टीमों की ओनरशिप जो है वो कुछ संगठनों के पास या कुछ कंपनियों के पास रहती है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में पहले वर्ष बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई, उनमें से हमने 5 फ्रेंचाइजी को चुना, और जैसा कि निर्णय हुआ है कि आगे टीमों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है कि फ्रेंचाइजीज को भी एक क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिलता है, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है स्पर्धा को, जो जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता होती है, वो भी मिल जाता है। संतोष जी, जितने टीमों के नाम हैं वो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के आधार पर नाम है, जैसे कि हमने बताया, जिक्र किया है कि टीमों के जो नाम हैं वो कुछ अलग प्रकार के हैं, जैसे कि ग्वालियर चीता, जबलपुर लायंस, मालवा पैंथर्स, भोपाल लेपर्ड्स, आखिर इन नामों को जो है वन्य जीवों से जोड़कर क्या कुछ मैसेज देने की कवायद की गई है?
संतोष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? राजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से जो टीमों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जो मैंने जिक्र किया है, आखिर इन नामों से क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश एमपीएल लीग के द्वारा की जा रही है मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को? वन्य वन्य प्राणियों के जो उनकी सेफ्टी और उनको लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की शुरू से इच्छा थी, और कैट फैमिली के ऊपर हमने सारे नाम रखे हुए हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक जैसा रखा है और अवेयरनेस बढ़ेगी कि उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, उनकी संख्या जो बढ़नी चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए, तो ये उद्देश्य है। और एक प्रकार से क्रिकेट का जो है वो एक सपोर्ट है नेचुरल सिस्टम। और राजीव जी, जिस तरीके से आप इस मैच के जो है प्रसारण की बातें भी सामने आ रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ, या बात करें तो स्पोर्ट्स 18 पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पहले स्तर पे, जो पहले लेवल पे जो आगाज हो रहा है, वही शानदार आगाज हो रहा है, तो इसकी बोल सकते हैं कि जब ट्रेलर इतना शानदार है तो पिक्चर कैसी होगी जब इस मैच का आगाज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे लिए कि इसका जो टेलीकास्ट है वो इतने बड़े चैनल पर हो रहा है, और निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा, लोगों को बहुत अच्छे स्तर का प्रसारण देखने को मिलेगा, TRS का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो जो कभी किसी घरू लीग में अभी तक TRS का प्रयोग इतना नहीं हुआ है जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार शुरू करें, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे एटमोसफियर में जब खिलाड़ियों को खेलेंगे तो निश्चित तौर पे उनको जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का एक मौका मिलेगा, और सब तरफ से जब अच्छी फैसिलिटी होगी तो उनको एक अंदाज हो जाएगा कि बड़े स्तर पे क्या होता है। लेकिन राजीव जी, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा है कि बड़े स्तर से ही आगाज, इसका शुरुआत जो हो चुका है, होने जा रहा है शाम को, CM डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। एक तरफ जहां MPL लीग का आज शुभारंभ होने जा रहा है, तो वहीं पे बात किया है तो शंकरपुर के स्टेडियम की भी नई सौगात ग्वालियर वासियों को, प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है, तो क्या कुछ माना जाए कि क्रिकेट का आगाज और ग्राउंड का उद्घाटन एक साथ होने जा रहा है? ग्राउंड का उद्घाटन, स्टेडियम और ग्राउंड का उद्घाटन जो है और उसका नामकरण आज शाम को होगा, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि BCCI के सचिव अपना समय निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी पधार रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और बाकी श्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया और आर्यमन सिंधिया, ये सभी इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पर्दा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और बहुत अच्छी बात है कि ग्वालियर में क्रिकेट की वापसी इतने वर्षों बाद हो रही है और नए स्टेडियम में हो रही है, तो निश्चित तौर पर दर्शक जो बहुत दिनों से अच्छे क्रिकेट के लिए तरस रहे थे, उनके लिए मौका है कि वह क्रिकेट का आनंद उठाए। राजीव जी, ये जो आयोजन है GDCA के द्वारा किया जा रहा है, आखिर जो खेल प्रेमी इस शो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो इस टीम, इस खेल का MPL का हिस्सा बनना चाहें, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगी? देखिए, अभी हमने MPL में जो नियम रखे हैं कि जो मध्य प्रदेश के घरू स्पर्धाओं में खिलाड़ी खेल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो इंटर डिविजन स्पर्धा होती है उसमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें हम अभी मौका दे रहे हैं। आगे कोशिश की जाएगी कि टैलेंट स्काउट्स अगर कोई अच्छा टैलेंट लेकर आ रहे हैं तो उन्हें भी मौका मिले, और वो कैसे मिले इसके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको एक स्पर्धा की एक पवित्रता जिसे कहते हैं वो हमें हमको बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं हो कि खिलाड़ी जो है उनको एक शॉर्टकट मिल जाए, तो खिलाड़ी अगर प्रॉपर चैनल से आता है, जैसे डिविजन स्तर से जुड़ के और उसके बाद खेलता है, तो वो एक अच्छी तरह से बनता है। लेकिन हम डायरेक्ट करें कि नहीं करें उसके ऊपर हमारा विचार चल रहा है, कोशिश करेंगे कि अगर कोई अच्छे टैलेंट मिलते हैं और फ्रेंचाइजीज उनको अगर ऊपर लाती है तो उनको भी आगे मौका मिलेगा। और राजीव जी, अगर जैसे मान लीजिए अभी तो 5 टीमें खेल रही हैं फिलहाल शुरुआती दौर में, शायद संतोष जी आवाज मिल रही है आपको, जुड़ गए हमारे साथ संतोष जी? आवाज मिल रही है। संतोष जी, अगर बात की जाए, जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि अभी फिलहाल 5 टीमों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है, MPL लीग होने जा रही है, भविष्य में अगर ये टीमें बढ़ती हैं, अगर टीमों का आंकड़ा बढ़ता है, तो क्रिकेट जो खिलाड़ी चयन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, अपने जो डिवीजन है वो नो डिवीजन है, अगर टीम बढ़ेगी तो नो डिवीजन को फायदा होंगे, अभी 5 टीम है तो ज्यादातर प्लेयर्स को चांस नहीं मिला है,
और आगे जितने टीम बढ़ेगी, फ्रेंचाइजी बढ़ेगी, तो प्लेयर को चांस ज्यादा मिलेगा और ओवरऑल क्रिकेट का भला है। और ये ऐसे क्रिकेट लीग होते रहना चाहिए ताकि हम भी अदर स्टेट जैसे कर्नाटका है और केरला जिस तरह ऊपर आ रहे हैं, मुंबई और दिल्ली के दर्ज पर हमारी टीम भी बहुत ऊपर खेले और हमारे लोगों को भी गेम्स के बारे में बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मिले और क्रिकेट का आनंद उठा सके। एमपीसीए के माध्यम से और किसके माध्यम से फ्रेंचाइजी जुड़ेंगे तो प्लेयर को फायदा होगा, वो रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और राजीव जी ऐसा जैसे कि नाम इसका है एमपीएल मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, अगर बात प्रीमियर लीग मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, तो क्या इसमें जिस तरीके से आईपीएल में बाहर के खिलाड़ियों को हायर कर लिया जाता था, फ्रेंचाइजी ऑनर्स बोली लगाते थे, उनको बुलाते थे या खिलवाते थे अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से, तो क्या इस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी या फिर इसमें कोई बाउंड्री है, कोई क्राइटेरिया है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस एमपीएल में खेल सकेंगे, बाहर यानी कि अदर स्टेट के जो खिलाड़ी है वो इसमें सहभागिता नहीं कर पाएंगे, क्या इस तरह की कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाई गई है? निश्चित तौर पर बीसीसीआई ने जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो प्रादेशिक स्तर पर लीग आयोजित की जाएगी उसके लिए नियम निर्धारित किए हैं। उसके तहत कोई भी बाहरी राज्य का खिलाड़ी वो दूसरे राज्य में जाके नहीं खेल सकता है, तो यह नियम इसके लिए बनाया है कि नहीं तो एक खरीद फरोख्त जैसी सिचुएशन हो जाएगी, तो वो नहीं चाहती बीसीसीआई। और हर प्रदेश के जो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले, ये उनका उद्देश्य है। तो अभी हमारा जो हम लोगों को हम बीसीसीआई के नियमों से बंधे हैं तो हम लोग बाहरी खिलाड़ी तो नहीं लाएंगे, लेकिन जहां तक आप ऑक्शन की बात कर रहे हैं तो इस बार हमारा चूंकि पहला अवसर था तो हम ऑक्शन रूट से नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि आगामी एक या दो वर्ष या तीन वर्ष के बाद में हम लोग जो है वो ऑक्शन रूट पे जाए। ऑक्शन रूट में बहुत रोचक हो जाता है, खिलाड़ी को स्तर का पता लग जाता है, खिलाड़ी को अंदाज हो जाता है, और एक ऑक्शन रूट ऐसा रहता है कि जैसे अंधेरी गली में हम जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत रोचक होता है और सबको देखना रहता है कि कौन खिलाड़ी किस में जा रहा है। तो ऑक्शन रूट पे निश्चित तौर पे हमको जाना है, लेकिन अभी स्पर्धा शुरुआती स्तर पे, हम भी इस स्पर्धा के बाद बहुत चीजें सीखेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे रिस्पांस कैसा आ रहा है, खिलाड़ियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद आगामी दो वर्ष या तीन वर्ष के बाद में आपको स्पर्धा एक बेहतर रूप में दिखेगी। संतोष जी, आर्यमन सिंधिया ने भी कहा है कि इन टीमों को सपोर्ट करने के लिए, एमपीएल को सपोर्ट करने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, टीमों को सपोर्ट करें ताकि उनकी आय का साधन भी बढ़े और जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी मन से करें, क्योंकि आजकल जहाँ धन होता है वहाँ मन लगता है। तो क्या इसके लिए क्या कुछ प्रयास है एमपीएल की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या प्रमोशन एक्टिविटीज़, क्या कुछ नए जतन? नहीं, सभी मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश के सभी लोग खुश होंगे इस लीग से, क्योंकि काफी समय से लीग का हम वेट कर रहे थे, इस तरह आईपीएल की लीग हो रही है और स्टेट में लीग हो रही है तो यहाँ की पब्लिक भी वेट कर रही थी। और अच्छा है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है जिससे प्रिविलेज मिल रहा है अच्छे प्लेयर्स को, प्लेयर का एटीट्यूड और माइंडसेट बड़े टूर्नामेंट के लिए इजी होगा क्योंकि वो खेल खेल के ऊपर आएंगे। आई थिंक की फ्रेंचाइजी तो ऐसी मिल जाएगी कि ऑलरेडी एमपी के लोग मेरे पास काफी पैसा, ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, काफी बड़ी टीम बना सकते हैं। और ऐसे जो जिन संतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आ गया वापिस आवाज जी? जी मिल रही है आवाज। मैं ये बोल रहा था कि आने वाले समय पे जैसे फ्रेंचाइजी आगे आएंगे जो क्रिकेट प्रेमी है और वो प्लेयर्स को ऊपर लेके आएंगे और उनके प्लेयर्स का एटीट्यूड माइंडसेट के साथ हम भी बड़े लीग में टूर्नामेंट में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट हो, इंडिया के लिए टूर्नामेंट हो, तो हमारे प्लेयर उस तरह के तैयार होते जाएंगे। राजीव जी, अब तक कोई फ्रेंचाइजी ओनर मिला है क्या जो टीम को सपोर्ट करे या फिर महज अभी शुरुआत की जा रही है? नहीं, पांच टीमें जो गई है वो सारी फ्रेंचाइजी ने ली है, अलग अलग फ्रेंचाइजी ने जी, तो पक्का इस बार हमारे पास में आवेदन 8 आए थे लेकिन हमने 5 से शुरुआत करना बेहतर समझा। आगामी वर्षों में टीमों की संख्या बढ़ाई जाए और हो सकता है कि महिलाओं का भी एक अलग फ्रेंचाइज क्रिकेट का लीग शुरू करें। अच्छा, महिलाओं की बात की आपने, महिला भागीदार की बात की है, तो क्या इस एमपीएल में महिला टीमें भी देखने को मिलेंगी आगे आने वाले समय में? राजीव जी, निश्चित तौर पर हमारा इसी वर्ष शुरुआत करने का जो योजना थी लेकिन इस बार शुरू नहीं हो पाया और चूंकि समय सीमा थी हमारे पास में, तो हम अभी जुलाई में अगर हम थोड़ा स्पर्धा को अगर आगे बढ़ाते तो उसका बारिश का हमको सामना करना पड़ता, तो अगले वर्ष निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं की टीमें भी जुड़े।
संतोष जी, अगर बात की जाए, अगर महिला टीमें यहां पर उतारी जाएंगी अगले आने वाले समय में, सालों में, तो क्या महिला जो क्रिकेट प्रेमी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश से लेकर देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर खेलने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा सर, क्योंकि महिला क्रिकेट हमारे यहाँ काफी अच्छी क्रिकेट है और भोपाल और इंदौर की टीम काफी बड़े स्तर पर खेलती है जाके, और जिनकी रणजी ट्रॉफी टीम में भी काफी इन लोगों इन लड़कियां रहती है। तो मेरे को लगता है कि जैसे जबलपुर हुआ, रीवा हुआ, सागर हुई, इन यहाँ की लड़कियां भी अच्छी खेलती है, तो आई थिंक सो कि इनकी लड़कियों को ज्यादा चांसेस मिलेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह हम आईपीएल की तर्ज पर भी, लेडीज का आईपीएल भी हुआ था जिस तरह, तो उसी फॉर्मेट में आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता जाएगा। लेकिन ये है कि बस प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, प्लेयर्स का फायदा होना चाहिए और ग्रास रूट पे क्रिकेट अच्छी हो जाना चाहिए ताकि हमारे एमपी का क्रिकेट का स्तर ऊपर आ जाए, ताकि हम अपने ये जो चीजें हो रही है बहुत गर्व की बात है, और बहुत ज्यादा थैंक्स ऑर्गेनाइजर को और बहुत सारी चीजें फ्रेंचाइजी को थैंक्स कि वो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिससे क्लियरली प्लेयर्स और अदर्स का फायदा हो रहा है, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट बार बार आयोजित किया जाना चाहिए। चलिए संतोष जी और राजीव जी, आनादी टीवी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एमपीएल के लिए और नित्य नए ऊंचाई पर छुए एमपीएल, ये हमारी कोशिश शुभकामनाएं हैं। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमान इस हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो अब देखना होगा कि एमपीएल से मध्य प्रदेश और ग्वालियर को क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, कितने क्रिकेट के सितारे जो है मध्य प्रदेश से निकल कर घरेलू मैच को हिस्सा होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए आनादी टीवी के साथ।